आज हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में। तो हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपर मींस हाई एंड थायरॉइड सीक्रेशन T3 एंड T4। सो हाइपर मींस हाई, सो एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स T3 एंड T4 एंड डिक्रीज लेवल ऑफ थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। सो द एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 एंड डिक्रीज लेवल ऑफ TSH इज हाइपरथायरॉइडिज्म। सो वाई देर द एक्सेस सीक्रेशन ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स T3 एंड T4? द काजेज आर, नंबर वन, इट्स अ ग्रेव्स डिजीज। फर्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। नाउ इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ड्यू टू ऑटो इम्यून, सो इट्स ड्यू टू इम्यून डिसऑर्डर इन विच एंटीबॉडीज स्टिमुलेट द थायरॉइड ग्लैंड टू सीक्रेट द एक्सेस हार्मोन। सो इन विच द थायरॉइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय द एंटीबॉडीज टू सीक्रेट द एक्सेस हार्मोन, टू सीक्रेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ T3 एंड T4। सो द फर्स्ट काज इज ग्रेव्स डिजीज एंड द मोस्ट कॉमन, 80% ऑफ हाइपर थायरॉइडिज्म काज ड्यू टू द ग्रेव्स डिजीज। ओके, सो नंबर टू इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइडाइटिस कैन ऑल्सो काज द एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या है, नोड्यूल्स, हॉट नोड्यूल आर टॉक्सिक एडिनोमा, एडिन मीन्स ग्लैंड, ओमा मीन्स ट्यूमर, सो ट्यूमर ऑफ अ ग्लैंड। सो इन विच वन लंप आर नोड्यूल इन थायरॉइड ग्लैंड बिकम्स डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंटली बिगेंस टू सीक्रेट थायरॉइड हार्मोन्स। तो क्या है, इसमें कोई भी एक नोड्यूल जो है ग्लैंड का वो डोमिनेट कर जाता है और वो इंडिपेंडेंटली सीक्रेशन शुरू कर देता है थायरॉइड हार्मोन्स का। फॉर एग्जाम्पल प्लमर्स डिजीज, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर, और उसके अलावा अ ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉइडिज्म मींस एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयोडीन कैन आल्सो काज हाइपरथायरॉइडिज्म। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स। ट्यूमर ऑफ एनी अदर एबनॉर्मलिटी इन पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ TSH and can cause over secretion of thyroid hormones. So the excessive secretion of the thyroid hormones, ठीक, वो क्या कहलाता है, hyperthyroidism। तो hyperthyroidism ये हो गए causes of the hyperthyroidism। causes के बाद हम चलते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहले क्लिनिकल प्रेजेंट कर देते हैं। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है हाइपरथायरॉइडिज्म का, वो क्या है, नंबर वन अ गोइटर। गोइटर क्या होता है, ये देखो आप यहाँ पे, ये इनलार्ज जो थायरॉयड हमारे इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है गोइटर। इनलार्ज थायरॉइड्स काज गोइटर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये इनलार्जमेंट है, ये क्या है, ये है गोइटर, ठीक है। उसके बाद क्या, एक्सोथैलेमस, क्या होता है, आईज का जो ये जो अपीयरेंस है ना, पुलिंग रेड स्वॉलोइन आईज, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सोथैलेमस, ये भी एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है किसकी, हाइपरथायरॉइडिज्म की। उसके बाद क्या, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाए। नंबर फोर, वेट लॉस और टेकीकार्डिया एंड इंक्रीज्ड फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, जो हमारा नर्व सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वो क्या है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का, वो इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल क्या क्या होता है इसमें, नर्वसनेस हो जाए, रेस्टलेसनेस हो जाता है, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग, पर्सनालिटी चेंजेस, फाइन ट्रिमर ऑफ द फिंगर्स एंड टंग एंड शेकी हैंड राइटिंग। तो ये क्या हो गए, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। तो आपको यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा लिखा हुआ है हाइपरथायरॉइडिज्म, ये लिखा हुआ है हाइपरथायरॉइडिज्म, तो हाइपरथायरॉइडिज्म का जो ई होगा वो शो करेगा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कौन से को, एक्सोथैलेमस को, एक्सोथैलेमस, ठीक है, ई किसको शो करेगा, एक्सोथैलेमस को। उसके बाद जो टी है हाइपरथायरॉइडिज्म का, जो टी है वो शो करेगा टेकीकार्डिया, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसकी, क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्सो हाइपरथायरॉइडिज्म की। तो हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या क्या हो जाता है, एक्सोथैलेमस हो जाता है, टेकीकार्डिया हो जाता है, और इंक्रीज्ड आई, फॉर इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे जो आई है इसका मतलब है इंक्रीज्ड, क्या होता है, इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक
रिस्पॉन्स, इनके वीज्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन। सो इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था नर्वसनेस होना, मूड चेंज होना, हैंड शेक ट्रिमर्स होना, ठीक है। और उसके अलावा इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। अगर कोई भी पेशेंट आता है इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थे तो हम क्या कह सकते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म कह सकते हैं। मगर इसके लिए फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हाइपरथायरॉइडिज्म इज, नंबर वन इज अ थायरॉइड प्रोफाइल, जिसमें हम T3, T4 और TSH के लेवल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक और थायरॉइड स्कैन, और उसके अलावा बेसिक मेटाबॉलिक रेट अर्ली इन मॉर्निंग। और जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो हम टेस्ट करेंगे वो अर्ली इन मॉर्निंग करेंगे, और इम्पटी स्टमक से करेंगे या रेस्ट। और उसके अलावा ECG फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है, टेकीकार्डिया होता है। ये जो टी है हाइपरथायरॉइडिज्म का, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, टेकीकार्डिया को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टी फॉर टेकीकार्डिया, ठीक है। तो टेकीकार्डिया के लिए हम ECG करते हैं, जैसे हमें कन्फर्म हो कि ये हाइपरथायरॉइडिज्म है या नहीं है। तो ये भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर हाइपरथायरॉइडिज्म। उसके बाद क्या, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारे हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए, वो मेथमाजोल होता है। जो ड्रग ऑफ चॉइस है हमारा किसके लिए, हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए। अगर कोई भी पूछता है तो वो मेथमाजोल है। मगर एक कंडीशन है जहां पे हम ये यूज नहीं कर सकते, वो क्या है, प्रेगनेंसी। तो ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, प्रोथायोयूरासिल होगा। क्या होगा, प्रोथायोयूरासिल होगा। मेथमाजोल जो ड्रग ऑफ चॉइस है वैसे किसके लिए, हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए। मगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना, वो हम प्रोथायोयूरासिल जो है वो यूज करेंगे, वो ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स एंड करेक्शन ऑफ द थायरॉइड टॉक्सिक स्टेट। तो पहले बात तो हम सिम्टम्स को रिलीव कराएंगे और करेक्शन करेंगे थायरॉइड टॉक्सिक स्टेट को। ट्रीट एनर्जिक हाइपर फंक्शन विथ बीटा एनर्जिक ब्लॉकर या प्रोपेनालोल। जो थायरॉइड जो एनर्जिक हाइपर फंक्शन हो रहे हैं थायरॉइड की वजह से, तो उनको हम ट्रीट करेंगे बीटा एनर्जिक ब्लॉकर प्रोपेनॉल से। उसके बाद करेक्ट द हाई थायरॉइड हार्मोन लेवल विद एंटी थायरॉइड मेडिकेशन। और क्या देंगे, एंटी थायरॉइड मेडिकेशन देंगे। जो हाई थायरॉइड है, जो थायरॉइड के हार्मोन्स की लेवल हाई है, उसे लो करने के लिए, जिसमें मेथमाजोल आ गया, प्रोथायोयूरासिल हो गया। जो क्या करेंगे, हार्मोन्स जो है ना, वो थायरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। एंड आल्सो बाय ट्रीटमेंट विथ रेडियो एक्टिव आयोडीन। और उसके अलावा हम रेडियो एक्टिव आयोडीन से भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मेथमाजोल हैज अ लॉन्गर हाफ लाइफ। मेथमाजोल को क्या है, हाई लॉन्गर हाफ लाइफ, रिवर्स हाइपरथायरॉइडिज्म मोर क्विकली एंड हैज फ्यूर साइड इफेक्ट देन प्रोथायोयूरासिल। इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो बहुत कम है, तभी तो ये जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं, जिसमें मीन्स फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ द चॉइस है इसमें मेथमाजोल इज द ड्रग ऑफ द चॉइस। अगर ट्रीटमेंट करें फार्मेटिकल ट्रीटमेंट जो है, उसमें मेथमाजोल द ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, मेथमाजोल रिक्वायर्स एवरेज 6 वीक्स टू लोअर T4 लेवल्स। कितने 6 वीक्स तक जो है ना, 6 वीक से चाहिए होंगे T4 लेवल्स को लो करने के लिए टू नॉर्मल। एंड इज ऑफन गिवन बिफोर रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट। और ये रेडियो एक्टिव आयोडीन की ट्रीटमेंट से पहले दिया जाता है, एंड कैन बी टेकन 1 per day ODM. उसके बाद क्या है, यूज प्रोथायोयूरासिल ओनली व्हेन मेथमाजोल इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर द लिवर डैमेज, ठीक है। तो क्योंकि प्रोथायोयूरासिल होता है वो तभी यूज करो जब तुम मेथमाजोल को यूज नहीं कर सकते प्रोथायोयूरासिल, क्योंकि प्रोथायोयूरासिल जो है ना उसके लिवर डैमेज चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल फॉर द लिवर डैमेज। जो प्रोथायोयूरासिल है वो लिवर को डैमेज कर सकता है। और ये जो प्रोथायोयूरासिल है ये 2 to 3 times a day यूज कर सकते हैं, 2 to 3 times a day। तो फॉर यस प्रोथायोयूरासिल वाज द ट्रेडिशनल ड्रग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज इट काज फ्यूअर सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स देन मेथमाजोल। जो मेथमाजोल है वो बर्थ डिफेक्ट ज्यादा करवाता है और जो प्रोथायोयूरासिल है वो कम करवाता है। हावर एक्सपर्ट नाउ रिकमेंडेड दैट प्रोथायोयूरासिल शुड बी गिवन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली। अब जो कहते हैं कि प्रोथायोयूरासिल है जो वो सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देना चाहिए, ओनली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रोथायोयूरासिल शुड ओनली बी गिवन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओनली।
जिसे बिकॉज देर हैव बीन अ रेयर काजेज केसेज ऑफ द लिवर डैमेज इन पीपल टेकिंग प्रोथायमिसिल आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वुमेन शुड स्विच द मेथोमाजोल फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। और उसके बाद क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हम किस चीज़ पे स्विच कर देंगे, मेथोमाजोल पे। सो फॉर वुमेन हु आर नर्सिंग, मेथोमाजोल इज प्रोबली बेटर चॉइस देन प्रोथायमिसिल। जो नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, वुमेन हु आर नर्सिंग, ठीक है, तो उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस वो क्या है, मेथोमाजोल है। टुवर्ड लिवर साइड इफेक्ट, बोथ ड्रग्स कैन कॉज अ ग्रेन्युलोसाइटोसिस। दोनों ड्रग्स के जो एक साइड इफेक्ट है वो कहने वो क्या है, अग्रेन्युलोसाइटोसिस। तो अग्रेन्युलोसाइटोसिस करवा सकते हैं ये दोनों ड्रग्स, मेथोमाजोल एंड प्रोथायमिसिल, ठीक है। तो एक बार फिर बताता हूँ कि ड्रग ऑफ चॉइस जो है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म इज मेथोमाजोल। मेथोमाजोल इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म।